को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा, यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा, मैं बीमारों की तीमारदारी करूंगा, मैं मुफलिसों की मददगारी करूंगा, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे ईदी सबनना है, मुझे ईदी सबनना है, मुझे ईदी सबनना है, मुझे ईदी सबनना है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। राशन हमने बराबर किए हैं गरीब लोगों के लिए और ये उनके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। आज जो आपके दरवाजे पे दस्तक होगी वो सिर्फ आपके फायदे के लिए होगी। हमने तकरीबन 250 के करीब खानदानों का पैकेज बराबर किया हुआ है। ये इस बनू में जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए हम ये चीज भेज रहे हैं, उनके घरों में भेजेंगे। इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे ईदी सबनना है, मुझे ईदी सबनना है, मुझे ईदी सबनना है, मुझे ईदी सबनना है, मुझे इंसानियत की ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने डीपीओ साहब का। ये मुश्किल की घड़ी के जब पूरी दुनिया पे पूरे आदम पे एक मसला बना हुआ है कोरोना का और ये बेरोजगारी और ये है और रमजान भी है, इस मुश्किल और हम और दुख की घड़ी में डीपीओ साहब ने अकलियत बिरादरी को और खासतौर पे हिंदू बिरादरी को भी याद रखा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ज़ाकिर नरोज़ अली करबला, करबलाई सरबरा पहले तशरीफ जिला बदूर, और आज के टाइम में मैं अपने नहायत वाजिब अलहतराम जनाब डी पी ओ साहब ने पूरी इंसानियत बचाई है।